नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे अहम खबर के साथ। सागर के मैहर गांव में पिछले कुछ दिनों से मानसूनी बरसात के बीच हड़कंप मचा हुआ है। नलों में आने वाले गंदे पानी की वजह से करीब 500 लोग उल्टी और दस्त के शिकार हो चुके हैं। वहीं दो महिला की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि अब तक तीन महिला समेत चार लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग मौत के बीच लड़ रहे हैं। उल्टी और दस्त के मरीज लगातार सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पांव फूल गए हैं। हालात इतनी बिगड़ गई है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में डेरा जमाना पड़ा है। तो उल्टी और दस्त से लोग परेशान हैं। इतना गंदा पानी और गंदे पानी की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि तमाम उम्मीदों के बावजूद भी धरातल पर जब कुछ भी नहीं मिलता तो ऐसे में निराशा होने की बहुत बड़ी बात। पंकज हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्या वजह है जो साफ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लगभग 5 से 6 दिन होने को हैं और जब पहली बार ये मामला सामने आया था तब न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। रात में ही मौके पर पहुंचे थे और तमाम जो है मरीजों का हालचाल जाना था, लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि लगभग चार लोगों की इनमें मौत हो गई, जिसमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। पुरुष की मौत जो है वो उसी दिन शाम को गई थी और तीन महिलाओं की डेथ जो है कल से आज तक हो चुकी है। प्रशासन लगातार गाँव का दौरा कर रहा है, जिसमें कलेक्टर जो स्थानीय विधायक है प्रदीप लारी, वो कमिश्नर और भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। एसडीएम की तैनाती वहां की गई है। तीन अस्पताल वहां पर जो है प्रशासन द्वारा खोले गए, लेकिन इन सबके बावजूद बड़ा सवाल ये होता है कि पीने के लिए आज भी ग्रामीणों को साफ पानी नहीं है। वहां पर इतने जो आबादी क्षेत्र वहां पर आसपास कोई ऐसा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था जहां पर लोगों को तत्काल इलाज मिल सके। अभी हालत यह है कि लगभग 400 से 450 मरीज हैं जो सागर जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और अस्पताल भी अभी इन्हीं मरीजों के चलते फुल हो गए हैं। जी बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा दुख की बात यह है कि तमाम उम्मीदों के बाद भी हाथ पर कुछ भी नहीं लगता और साफ पानी के लिए यहाँ पर लोग मजबूर है। बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में खाद्य विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने 100 बोरी मावा पकड़ा है। ऑटो से जब्त किया गया है 100 बोरी मावा। बजरिया इलाके में मावा पकड़ा गया है। फूड विभाग को मावे की सूचना मिली थी। मावे के सैंपल को जांच के लिए भी भेज दिया गया है। 100 किलो मावा जब्त किया गया है और 100 बोरी में यह मावा रखा गया था, जिसके बाद अब एक सैंपल के लिए इन मावों को भेजा गया। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। मनेंद्रगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या की। बाजार में मोबाइल खोने की वजह से की हत्या। सतना में पत्नी और दो बच्चों की हत्या। पति का कटा शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मुरैना में पति ने पत्नी का गला काटकर हत्या की। लंबे समय से दोनों में चल रहा था विवाद। मनेंद्रगढ़ में आपसी विवाद।